आप देख रहे हैं पीवीसी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 88 का टोनर रिफिल कैसे करते हैं। 88 का टोनर रिफिल करने के 80 ग्राम की इंक लगती है, जो 80 ग्राम की इंक सिर्फ 80 रुपए में मिलती है। 80 रुपए में 80 ग्राम की इंक लाकर आप अपने घर पर टोनर रिफिल कर सकते हैं, ताकि मार्केट में 250 या 300 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा का पूरा देखिए। इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से आखिर तक टोनर रिफिल कैसे करते हैं पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को भी दबा देना, क्योंकि हमने ऐसी कोई नई वीडियो डाली तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 88A या फिर 780A या फिर 36A, 925, ये सब नंबर के कार्ट्रिज पे लिखे होते हैं। अलग मॉडल नंबर के प्रिंटर के अलग कार्ट्रिज होते हैं, जैसे कि HP के 1505, 1007, 1008, 1136, 1106 और कैनन के 3010 या 4820। इन सब प्रिंटर के ओरिजिनल जो कार्ट्रिज है जो प्रिंटर के साथ आते हैं, इन सब की रिफिल करने की प्रोसेस सेम है। लेकिन आप जो बाहर से कंफर्टेबल कार्ट्रिज खरीदते हैं उनके प्रोसेस थोड़ी अलग है, उसका एक वीडियो मैं अलग से ज़रूर बनाऊंगा। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। टोनर रिफिल करने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत है। पहला इंक, इंक 80 ग्राम का होना चाहिए। दूसरा ये टूल किट जो 4 पॉइंट का होना चाहिए और एक माइनस। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये स्क्रू को निकालना है। उसके बाद इसको ऐसा थोड़ा सा ऊपर उठा के, याद रही ये स्प्रिंग ये उड़ जाती है, इसे थोड़ा उंगली दबा के निकालना। ये स्प्रिंग को बस ऐसे है तो इसको ऐसे मूवेबल करके हमको रखना है, इसको लास्ट में हम लगाएंगे। उसके बाद ये जो टोनर रिफिलिंग टोनर है, इसको थोड़ा सा आगे और इसको थोड़ा सा इधर ऐसा खींचिए, ये देखिए ऐसा, और बस हल्का सा ऐसा गिरी। ये जो लॉक होते हैं इसके अंदर फंसे होते हैं, इसको आपको थोड़ा सा ऐसा निकल के खींच के निकालना है। और सबसे पहले हम आपको ये ड्रम, ये इसको ऐसा निकाल के साइड में रखने का। ये PCR है, इसको भी साइड में रखने का। और उसके बाद ये वाला स्क्रू और ये वाला स्क्रू, इसको खोलना है। ये ब्लेड को इस कोने से और इस कोने से ऐसी सीधे का इसको उठाना है। उसके बाद इसको साइड में रखने का। और ये जो है इंक, ये पूरी वेस्टेज वाली है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए हमने इसको खोल दिया है। तो फिर इसको हम बाजू में करते हैं। देखिए ये पूरी वेस्टेज निकालनी है, देखिए देखिए इसको पूरा साफ करने का और उंगली से इसको हल्का सा घुमाने का। और उसके बाद ये वापस लगाना, ये ब्लेड को वापस लगा देने का। इसके बाद ये PCR को ऐसे लगाने का,
उसके बाद ये ड्रम को भी लगाने का, ये वाला ड्रम इसमें जाना चाहिए, ये बस गया। इसको आप साइड में रखते हैं। अब इंक हमको इसमें भरनी है, उसके बाद ये खोलेंगे। अब देखो इसको ये निकाला सीधा, इसको ऐसे रखने का और इसको ऐसे निकालने का। ये जो रोलर है इसको साइड में रखने का और इसको भी, और ये जो निकला इधर रखने का। अब इसको इसके अंदर के रॉड को निकालने का है। ये देखिए इसकी पूरी इंक निकल गई, इसको हमको पूरी तरह से साफ करना है और फिर इसके अंदर इसको डालना है। और ये वाला है पॉइंट, ये देखिए इसका जो ये वाला पॉइंट है इसके हुक के अंदर जाना चाहिए ऐसे। इसको हम साइड में रखते हैं। इसमें हमको इंक भरनी है इसमें, और जो पहले की इसमें इंक है वो हमको पूरी निकाल देनी है। इसको हमको पूरी तरह से साफ करना है। ये देखिए ये पूरी तरह से इसके बाद ये इंक को ऐसा एक मिनट तक हिलाने का। उसके बाद इसको खोलो और यहाँ से थोड़ा सा ऐसा टाण लो। उसके बाद इंक को सीधे इसमें डाल देंगे। देखिए अब इसके बाद ये मैग्नेट को जैसा था वैसे इसको बिठाने का। उसके बाद ये बिठाने के बाद इसको स्क्रू लगा देने की। अब इसको कैसे बिठाने का देखो, ध्यान रही ये और ये होल और इधर का ये ऐसा सीधा अंदर जाने का, स्प्रिंग को ऐसा थोड़ा सा ढकलने का और ये बैठ गया, और ये स्प्रिंग को भी ऐसा बराबर बैठने। और देखिए ये स्प्रिंग को ऐसे ही रखने का, ये ड्रम को ऐसे बैठाने का, और ये स्प्रिंग को ऐसा निकल के छोड़ देने का और इसको स्क्रू में लगा देने का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता हूँ। और हाँ शेयर करना मत भूलना। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है।